हाँ जी बोलिए, हेलो। नमस्ते। किसकी दिक्कत है? स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम है। हाँ जी जी तो स्पाइनल कॉर्ड में जब ये यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है तो उसका असर हाथों में आता है, और जब हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अब मेरी बात को सुन लीजिए। आपने अपनी बात कह दी ये, क्योंकि रोज हम सैकड़ों लोगों को देखते हैं, अभी तक लाखों लोगों को देखा है और करोड़ों लोगों के हमने शिविर लिए और उनको ठीक किया, इसलिए ये सब हमारे अनुभव में। आप जैसे कोई संकेत करते हैं तो पूरा दृश्य हमारे सामने आ जाता है। तो जिनको सर्वाइकल स्पोनाटिस पिन की प्रॉब्लम होती है उनके हाथों में भी नमनेस आती है, सूनापन आता है। जब ये दर्द यहाँ नीचे की ओर आता है तो पैरों में नमनेस आती है, शियाटिका पेन, या फिर अलग अलग तरह से ऐंठन, किसी किसी को बाइटें क्रैम्प्स उनको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो आने लगते हैं। कैंप्स के तो और भी कारण हैं, उसके अंदर जो है कुपोषण से भी आते हैं, कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो कमर की कोई भी प्रॉब्लम है, मैं रोज़ जो है आपको आसन बताता हूँ, और यूट्यूब के ऊपर भी मेरे वीडियो देख सकते हैं, आज तक चैनल पर सुबह लाइव देखा करो आप। कमर के लिए बैठ करके उष्ट्रासन या अर्धचंद्रासन, लेट करके मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, सीधे लेट करके मरकटासन, एक पाद उत्थानासन, अर्धपवन मुक्तासन, कंधरासन जिसको सेतुबंधासन कहते हैं, और कटुत्थानासन। ये पूरा एक क्रम मैं बताता हूँ, सर्वाइकल स्पोनाइटिस पेन है तो फिर उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम का एक क्रम है, एक ये अभ्यास है, फिर दूसरा ये है, फिर ये ऐसे है, तो ऐसे ये कुल 12 अभ्यास हैं। 12 में से 6-4 जितने भी आप कर लेंगे उतने से ही आपकी स्पाइनल कोड का पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस और जो साइंटिफिक वे में आपके कमर को एक्सरसाइज मिलनी चाहिए, आजकल तो फिजियोथेरापिस्ट और वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट भी सब ये सजेस्ट करते हैं कि योग बेस्ट है स्पाइनल कोड के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए। फिर उसके साथ साथ मैंने आपको संकेत किया बार बार, चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशा गुग्गुल, ये दो गोलियाँ सुबह शाम एक एक गोली, और यदि गर्म ना पड़े तो 3 बार आप ये एक एक गोली ले सकते हैं, और ज़्यादा दर्द है तो दो दो गोली तक भी लिया जा सकता है, और आपका कमर दर्द पूरा अच्छा हो जाएगा। एक्यूप्रेशर भी मैंने प्रारंभ में बताया था, उसका आप ध्यान रखें।